तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत A-line कुर्ती में डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पर अपना एक मैचिंग कपड़ा यूज़ करेंगे और जिसमें हम अपनी कुर्ती काटेंगे उस कपड़े को हमने कुछ इस प्रकार से बिछाया हुआ है। देखिए खुला हुआ वाला हिस्सा हमारी तरफ और बंद वाला हिस्सा आपकी तरफ। इसके बाद दोस्तों नॉर्मल तरीके से A-line कुर्ती की मार्किंग हम कर लेंगे और फिर जो डिज़ाइन बनाएंगे और चेंज करेंगे वो हम आपको बहुत ही डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी मार्किंग करते हैं ऊपर से नीचे तक। आर्महोल का निशान हम लगाएंगे 6.5 इंच पर, कमर का निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर और हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पर। लंबाई का निशान लगाएंगे 39 इंच पर, 39 पर। और इसके बाद हम अपने सारे निशानों को सीधा कर लेंगे। निशानों को सीधा करने के बाद में हम नीचे की तरफ लगभग 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि फोल्ड करने के लिए। इसके बाद दोस्तों हम 0.5 इंच का मार्जिन इधर की तरफ भी देंगे जो हमारा खुला हुआ वाला हिस्सा है। और अब इसके बाद जो हम अपनी कुर्ती की मार्किंग करेंगे इस निशान से अंदर की तरफ करेंगे, तो तीरा हम रखेंगे अपना 6.5 इंच मतलब कि 13 इंच। चेस्ट होगा 19 × 38 इंच, तो चौथाई भाग लगाया हमने। ऐसे ही कमर का चौथाई भाग 30 का आधा, 15 का आधा 7.5। हिप लगाएंगे हम 10 इंच मतलब कि 40 इंच, 40 का चौथाई भाग। अब इसके बाद इन निशानों को हम अपने फिटिंग द्वारा मिला देंगे एक दूसरे से। जैसे कि हमने यहाँ पर 6.5 इंच लगाया था तो इसमें 1 इंच कम कर देंगे तो होगा हमारा 5.5 इंच। और यहाँ से इस प्रकार से अपने आर्महोल की गोलाई दे देंगे। अब हम रखेंगे अपना A-line किस प्रकार से नीचे। देखिए दोस्तों A-line आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं 17 इंच, 18 इंच, 16 इंच, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर अपना रखेंगे 16 इंच और 16 इंच से हम अपने ये वाले निशान को इस निशान से टच कर देंगे तो हमारी A-line कुर्ती की मार्किंग हो जाएगी। ये हमारी A-line कुर्ती की मार्किंग हो गई है। इसके बाद हम इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान भी लगा देंगे। तो ये तो हो गई हमारी A-line कुर्ती की सिंपल मार्किंग। अब इसमें हम क्या चेंज करने वाले हैं दोस्तों ये देखना। तो चेंज ये है, इसमें हम पहले ही अपना नेक भी कट करेंगे। तो नेक हम अपने हिसाब से कट करेंगे, आपको सिर्फ हम इसमें डिज़ाइनिंग बताएंगे किस प्रकार से होगी। तो डिज़ाइन की हमारी जो नेक की जो ब्रॉडनेस रहेगी वो रहेगी 6 इंच, तो 6 इंच का आप रखेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई रहेगी 6.5 इंच, आप अपने हिसाब से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसमें एक राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमने अपनी राउंड शेप दे दी है। इसके बाद इस निशान से हम नीचे की तरफ एक 6 इंच पर निशान लगाएंगे जो हमारे नेक वाला निशान है। इस निशान से ये हमने 6 इंच पर निशान लगा दिया। अब ये जो निशान हमने लगाया 0.5 इंच का, इस निशान से अंदर की तरफ हम अपना 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। देखिए और लगाने के बाद में दोस्तों ये वाली हमारी जो नेक की गोलाई है, इस गोलाई से यहाँ की तरफ एक शेप देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए और यहाँ से भी हम अपनी एक शेप इसी प्रकार से देंगे। देखिए यहाँ से हम जो शेप देंगे वो दोस्तों गोल देंगे। ये हमने यहाँ पर अपनी गोल शेप दे दी है। इसके बाद इस निशान से नीचे की तरफ हम अपना 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये देखिए 2.5 इंच पर मार्क लगाने के बाद में इस मार्क से नीचे की तरफ हम अपने कुछ मार्क और लगाएंगे। तो कुछ मार्क लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस निशान से ही अंदर की तरफ आपको 4.5 इंच पर मार्क लगाना होगा। ये हमने अपना 4.5 इंच पर मार्क लगा दिया है। अब इस निशान से इस निशान तक हम क्रॉस करके सीधा निशान लगाएंगे। देखिए ऐसे इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर मिलाते हुए हम अपने निशान को सीधा करेंगे। तो दोस्तों ये तो हमने यहाँ पर इस निशान को सीधा कर दिया है, लेकिन इसमें हमें 0.5 इंच का मार्जिन भी चाहिए होगा। तो 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर एक निशान और लगाएंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है दोस्तों। अब हम सेम मार्किंग पर अपनी कटिंग शुरू करेंगे।
तो ये हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद दोस्तों हमारे जो ये पीस निकले हैं, ये पीस आपको अभी फेंकने नहीं है क्योंकि अभी इनका यूज़ है। इसके बाद दोस्तों आपको ले लेने होंगे दो बचे हुए कपड़े जो कि आपके साइड से बचते हैं। तो ये हमने अपने दो कपड़े ले लिए हैं, और लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इनमें से एक पीस अपना उठाना है। तो एक पीस इसमें से चाहिए होगा आपके, तो इसमें हम एक पीस को अपने इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, देखिए। और रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम अच्छी तरीके से अपने पीस पर इसको सेट करेंगे, और सेट करने के बाद में यहाँ से हम अपनी सिलाई लगाकर इस निशान से पूरी इसको कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। तो चलिए मशीन पर हम बताते हैं। उससे पहले दोस्तों हम आपको अपना एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों मैसेज ये है, हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज के डिज़ाइंस और कुर्ती के डिज़ाइंस, मतलब कि आपको हर तरीके के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों नोक पर आने से पहले आपको अपनी सिलाई को रोक देना है, और रोकने के बाद में आपको एक धागा ले लेना होगा इस तरीके से, और धागे को डबल कर लें। और डबल करने के बाद में दोस्तों धागे को आप क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से धागा लेने के बाद में यहाँ पर ये नोक वाला ऊपर वाला जो कपड़ा है, सिर्फ ऊपर का, ऊपर वाले कपड़े को इस तरीके से देखिए उठा लेंगे, और उठाने के बाद में सिर्फ नोक के नीचे धागे को रखेंगे इस तरीके से, और रखने के बाद में दोस्तों हम सिलाई को लेकर आएंगे आगे। अब लेकर आने के बाद में दोस्तों हमने अपने धागे को टांके के नीचे फांस लिया है, और फांसने के बाद में एक साइड से जो ये वाली साइड है धागे को उठाएंगे, और उठाने के बाद में अपने बूट को उठाएंगे साथ। उठाने के बाद में आप दोनों धागों को मिला लेंगे, ये देखिए दोनों धागे मिलाने के बाद में हम ऊपर वाले पल्ले को उठा लेंगे, और उठाने के बाद में धागे को नीचे से निकाल देंगे, मतलब कि ये अब जो धागा है दोनों कपड़ों के बीच में आ गया है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी सेम सिलाई गोलाई पर लगाते हुए क्रॉस कर देंगे। दोस्तों धागा लगाने का मतलब ये है कि आपकी जो नोक है वो ऐसी निकलेगी जैसे कि आपने बिल्कुल नोक वाली कटिंग की हो, मतलब कि बहुत ही अच्छी। तो ये हमने अपनी सिलाई लगाकर नीचे वाले कपड़े को कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा मार्जिन काटने के साथ साथ दोस्तों हमने यहाँ पर अपने छोटे छोटे नोचिस भी लगा दिए हैं। अब चलिए काउंटर पर बताते हैं आगे क्या होगा। इसके बाद दोस्तों हम अपने ये वाले कपड़े को अंदर की तरफ को पलट देंगे। तो कैसे पलटेंगे देखिए, पहले हम इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करेंगे, और फिर ऐसे करेंगे, और ऐसे करने के बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से पहले तो ये कोना निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट कोना निकल कर आ गया है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अपने ये वाली नोक निकालेंगे। तो नोक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हाथ से निकालेंगे जितनी निकल सकती है, उसके बाद ये जो धागा हमने डाला था धागे को खींचेंगे। तो धागे को खींचने के बाद में देखिए आप, बिल्कुल एकदम परफेक्ट नोक हमारी निकल आई है। इसके बाद दोस्तों हम पूरे कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे प्रेस की मदद से, और धागा जो है हम यहाँ पर इस तरीके से निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों प्रेस से फोल्ड करने के बाद में इसका जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है, और उल्टा करने के बाद में हमने जो ये कपड़ा था इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। चाहे तो आप इस पर तुरपाई कर लें, और चाहे तो फिर इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे हमने अपने इस वाले पीस को तैयार किया है, सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पीस को भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सेम तरीके से अपने दोनों ही पैटर्न को तैयार कर लिया है, और इसके बाद दोस्तों डिज़ाइन बनाने के लिए हमने अपने प्रिंटेड कपड़े को नीचे सिंगल करके बिछाया हुआ है, और उसके बाद दोस्तों ऊपर से लगभग 5-6 इंच नीचे की तरफ हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद में इसमें हम अपने ये वाले दोनों पैटर्न को सेट करेंगे। तो पहले हम अपना ये वाला पैटर्न सेट करेंगे, यहां पर बिल्कुल नोक से आपका पैटर्न जो है यहां पर मिलना चाहिए, नीचे वाला भी, और इसके बाद दूसरा वाला पैटर्न हम यहां पर इस तरीके से सेट करेंगे। ये देखिए यहां पर हमने बिल्कुल नोक से एकदम सीधा सेंटर में रखा है, और इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपको कैसे रखना है, नीचे की तरफ आपको यहां पर गैपिंग नापनी है 8 इंच। तो यहां पर हम अपनी गैपिंग को सेट करेंगे 8 इंच में। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो गैपिंग है वो 8 इंच में सेट हो गई है। इसके बाद हम चाक से यहाँ पर इस तरीके से मार्क लगा लेंगे।
तो ये हमने अपनी मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम अपने दोनों ही पैटर्न को हटा लेंगे, और हटाने के बाद में दोस्तों आप देखिए हमारी जो मार्किंग है वो कुछ इस प्रकार से आ गई है। इसके बाद दोस्तों इस मार्क से एक एक आधा आधा इंच का मार्जिन या एक एक इंच का मार्जिन देते हुए आप कटिंग कर लें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने पैटर्न को कुछ इस तरीके से कटिंग कर लिया है, और अब इसके बाद दोस्तों हम इस पैटर्न के ऊपर की तरफ एक लेस लगाएंगे। तो देखिए ये हमारी लेस है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे हल्का सा नीचे वाले कपड़े में पाइपिंग दिखाते हुए, मतलब कि इस तरीके से सेट कर देंगे। तो ये हमने अपनी लेस सेट कर दी है। इसके बाद दोस्तों लेस के ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे इस साइड पर। तो ये हमने अपनी लेस पे सिलाई लगा ली है। इसके बाद दोस्तों हम बिल्कुल एकदम सूट के कलर का धागा चढ़ा लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम अपने इस सूट वाले पार्ट को इस पैटर्न पर अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से अपनी सिलाई शुरू करनी होगी। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी नोक आ गई है। तो नोक पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपने पैटर्न को सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे हल्के हल्के ये मार्क दिख रहे हैं, इन मार्क को छुपाते हुए हम अपनी पूरी गोलाई पर ये वाली गोलाई को सेट करते हुए नीचे तक पैटर्न को अटैच करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है और सूट का जो एक पार्ट है वो इस तरीके से अटैच हो चुका है। तो जिस तरह से हमने अपने ये वाले पार्ट को अटैच किया है उसी सेम तरीके से अपने दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों दूसरे वाले पैटर्न को जोड़ने के बाद में हमने नीचे की तरफ अपना कुछ इस तरीके का पैच लगा दिया है, जिसकी वजह से हमारा पूरा डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत हो गया है। और इसके बाद दोस्तों हम पूरी कुर्ती की नॉर्मल तरीके से सिलाई कर लेंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब से आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।